हे गाइस, दिस इज टिक्चन, मैं हूँ जित्तू और आप देख रहे हैं आई कैन क्रिएट नेचर। तो मैं यार आज पार्टी के लिए फिट का पार्ट टू लेकर आया हूँ, जिसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पार्ट वन से, क्योंकि पार्ट वन में जो है मैंने इजी मेथड मैक किया था, इसलिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं न्यू पे क्लिक करके। तो पहले आपको क्या करना होगा, एक क्यूब को इनपुट कर लेना होगा। आप कुछ भी इनपुट कर सकते हैं जिसका पार्टी के लिए फिट मैक करना चाहते हैं आप, लेकिन मैं जो है आपको समझने के लिए एक क्यूब को इनपुट कर लिया। करने के बाद क्या करें, उसमें जो है मॉडलिंग में जाके उसके थोड़ा एनिमेशन देना होगा पहले हम लोगों को। तो एनिमेशन कैसे दे, जीरो है ना, जीरो पे एक की फ्रेम डालना होगा। रुको, पहले जीरो पे की फ्रेम ना डाले, पहले जो है माइनस वन पे एक की फ्रेम डालना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए जो है माइनस वन में की फ्रेम डालना नहीं भूलिएगा आप। इसलिए मैंने जो, तो फ्रेंड्स माइनस वन में जो है एनिमेशन में क्लिक करने के बाद जो है क्या करें कि माइनस वन में एक की फ्रेम डालना होगा हम लोगों को। ये इम्पोर्टेंट मेथड है यार, इसलिए आप भी माइनस वन में ही जो है डालना की फ्रेम। तो मैंने जो है माइनस वन पे एक की फ्रेम डाल दिया। उसके बाद क्या करें, जीरो पे एक की फ्रेम डाल देते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने डाल दिया जीरो पे एक की फ्रेम। उसके बाद क्या करें, आप जितना तक एनिमेशन करना चाहते हैं, जितना की फ्रेम तक आप उतना दे सकते हैं। तो ठीक है, मैं जो है 350 तक करना चाहता हूँ, सॉरी 400 तक करना चाहता हूँ जो है एनिमेशन। तो ठीक है, मैं 400 में जाके की फ्रेम डालता हूँ। तो 400 में डालने से पहले आप क्या करें कि जो है 400 तक अगर आप चाहते हैं कि एनिमेशन, अगर आप चाहते हैं कि 400 तक एनिमेशन करना, अगर आप 400 तक जो है एनिमेशन करना चाहते हैं, तो क्या करें, 401 पे की फ्रेम डाल देना है, 401 पे। तो मैंने डाल दिया की फ्रेम। उसके बाद क्या करें, जीरो की फ्रेम में चले जाते हैं। तो अब क्या करें कि जो है एनिमेशन में क्लिक करके मॉडलिंग में आते हैं, उसको अब जो है हम की फ्रेम डाल चुके हैं मॉडल में। अब क्या करें, इस मॉडल को जो है बहुत सारी कॉपी करना होगा हमको। तो मैं कुछ कॉपी कर लेता हूँ, 5 कॉपी मैंने जो है कर लिए। अब क्या करें, उसको पेरेंटिंग करें। पेरेंटिंग कैसे करते हैं, मैंने जो है आपको एक वीडियो में बताया था, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा लिंक है, कैसे करते हैं पेरेंटिंग, आप जाकर देख लेना। तो इसको जो है पेरेंटिंग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, जो मैंने पेरेंटिंग कर लिया उसको। ये हमारा जो है पेरेंटिंग हो चुका है। अब क्या करें, इसको ग्रुप कर लेना होगा। पहले जो है क्यूब में क्लिक करना होगा, इस वाले क्यूब में नहीं, जो लिखा है क्यूब बोल के उसमें क्लिक करना होगा, फिर ग्रुप में क्लिक करना होगा। एक ग्रुप हो चुका है, इस ग्रुप को जो है आप जितना चाहते हो उतना कॉपी कर लेना। रुको, मैं एक कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो है मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन चाहिए, इसलिए मैंने जो है इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया। और एक कॉपी कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से रोटेट करते हैं। हाँ, मैं सिर्फ इतना ही करता हूँ, आप बहुत सारे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप को कॉपी करने के बाद क्या करें, इस ग्रुप को भी पेरेंटिंग करना है हम लोगों को। तो पेरेंटिंग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, मैंने जो है ग्रुप को पेरेंटिंग कर लिया। ग्रुप को पेरेंटिंग करने के बाद क्या करें, मॉडलिंग में जाके एनिमेशन में क्लिक करके क्या करें कि जीरो में जाके एक क्यूब को जो है आपको क्लिक करना होगा। इधर टच करने के बाद जीरो पे की फ्रेम डाल चुके हैं। उसके बाद आप जितने पे जो है एनिमेशन चाहते हैं उतने पे की फ्रेम डाल देना। मैं 30 पे एक की फ्रेम डाल देता हूँ। 30 पे जाकर क्या करेगी, इसका पोजीशन जो है चेंज कर लेते हैं, उसके बाद की फ्रेम डाल देते हैं। तो देखो, ये कुछ इस तरीके का जो है एनिमेशन दिखेगा आपको। मतलब कि एक क्यूब को जो है एनिमेट करने पर सारे क्यूब जो है एनिमेट हो रहा है पार्टिकल इफेक्ट के जैसे। उसके बाद क्या करें कि एक क्यूब को क्लिक कर लेते हैं। हाँ, टच करने के बाद क्या करें, 60 में मैं कुछ 100 में जाता हूँ पहले। हाँ, 170 में एक क्यूब को क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद जो है मैं 100 में जाता हूँ। हाँ, 100 में जाकर कुछ इस तरीके से उसको रोटेट करता हूँ। अब की फ्रेम डाल देते हैं।
आप ऐसे रोटेशन भी दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिर इस ग्रुप में आप जो है कॉपी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। कॉपी करने के बाद आप रोटेशन कुछ इस तरीके से दे सकते हैं इसका। देखो ये कुछ इस तरीके से लगेगा आपको। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ना भूलिएगा। तो चलते हैं, बाय बाय, मिलेंगे और एक वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि इस वाले पार्टी के लिपेट से हम वाटरफॉल मेक नहीं कर सकते। वाटरफॉल के लिए मैं एक अलग सा ट्यूटोरियल लाऊँगा कैसे हम मेक कर सकते हैं वाटरफॉल बोल के। तो ठीक है, अगर आप भी वाटरफॉल मेक करना चाहते हैं मेरे जैसी पार्टी के लिपेट को यूज करके तो प्लीज कमेंट करना। बाय बाय।